बॉलीवुड ब्लंट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल बटन दबाएं और बने रहें बॉलीवुड ब्लंट के साथ। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आपने क्लिक किया अपने YouTube चैनल बॉलीवुड ब्लंट पर। हमारे साथ जो ये मौजूद हैं, छोटे से नवाब, इनका नाम है रुद्रवीर और ये हमारे बेटे हैं और इनके साथ आपका हम स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बधाई देना चाहते हैं, हम अपने सब्सक्राइबर्स को बधाई देना चाहते हैं कि हमारे चैनल का सब्सक्राइबर हो गया भाई 2000, यानी 2000 लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है। तो इस वीडियो में चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने स्टार, बॉलीवुड के स्टार, चहेते स्टार खिलाड़ी कुमार को उनके 51 बर्थडे की बधाई देते हैं, ढेर सारी बधाई देते हैं। जी, अक्षय कुमार 51 साल के हो चुके हैं, लेकिन अपनी फिटनेस को देखकर लगता नहीं कि वे 51 साल के हो गए, वे अभी भी 25 से 30 साल के नौजवान लग रहे हैं। जी हाँ, तो हम चाहते हैं कि वे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हंसते रहें और ऐसे ही सदाबहार जवान रहे, यानी एवरग्रीन हीरो रहे। दोस्तों, मैं वो बर्थडे पर आप लोगों को कुछ उनकी बातें बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा जहाँ तक मैं उनके बारे में जानता हूँ। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वे किससे एक्टिंग सीखा करते थे। जी हाँ, अपने शुरुआती दौर में वे चंकी पांडे के बहुत बड़े वाले फैन थे। जी हाँ, चंकी पांडे उनसे सीनियर हैं। तो चंकी पांडे की उस समय फिल्म आई थी आग ही आग और वो काफ़ी सुपरहिट हुई थी और स्ट्रगल के ज़माने में वे एक्टिंग भी सिखाते थे चंकी पांडे, और अक्षय कुमार उनसे एक्टिंग सीखते थे। अक्षय कुमार ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि वे चंकी पांडे के बहुत बड़े फैन हैं और वे उनके एक्टिंग सिखाते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि उन्हें पहली फिल्म कैसे मिली। जी हाँ, अपने स्ट्रगल के दौरान अक्षय कुमार एड फिल्में किया करते थे। तो एक बार उन्हें एड फिल्म की शूटिंग के लिए बेंगलोर जाना था, तो जब ये हवाई अड्डे पर पहुँचे तो बेंगलोर से उन्हें कॉल आया कि आप भाई तो 12 घंटे लेट हैं। लेकिन अक्षय कुमार का नहीं, मैं तो समय पर हूँ। जब उन्होंने अपना कॉल टाइम देखा तो उसमें लिखा हुआ था सुबह के 6 बजे। अक्षय कुमार को लगा कि भाई ये शाम के 6 बजे की शूटिंग होगी। तो इस तरह वे जब लौटे अपने एयरपोर्ट से, तो उस समय वे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऑफिसों के चक्कर काटते थे। तो वे निकले वहाँ से, फ्लाइट तो छूट गई भाई क्योंकि 12 घंटे लेट हो चुका था शूटिंग के। तो इस तरह वे घूमते घूमते एक स्टूडियो में मिल गए, तो वहाँ उन्हें डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती से मिले। जैसे ही मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि भाई अगले हीरो अपने फिल्म में अक्षय जी ही होंगे और उस फिल्म का नाम था दीदार। जी हाँ, तो इस तरह उन्हें पहली फिल्म मिली। तो इसी के साथ बॉलीवुड ब्लंट और मैं रंजीत कुमार और रुद्रवीर अक्षय कुमार जी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और वे हमेशा यूं ही हम लोग को इंटरटेन करते रहे अपने फिल्मों के माध्यम से। थैंक यू। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें और इसी तरह हम आपको फिल्मों की जानकारी देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। बॉलीवुड ब्लंट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल बटन दबाएं और बने रहें बॉलीवुड ब्लंट के साथ।